भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 28 फरवरी को PSLV C-51 की सफल लॉन्चिंग की। इस लॉन्चिंग में कई बातें अनोखी थी, लेकिन सबसे ज्यादा खास है देश की सुरक्षा से संबंधित एक सैटेलाइट का सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित होना। ये सैटेलाइट पाकिस्तान, चीन समेत देश के हर सीमाओं पर नजर रखेगा ताकि दुश्मन की हर हलचल का पता चल सके। सिंधु नेत्र सैटेलाइट को DRDO के युवा वैज्ञानिकों ने बनाया है। DRDO का सिंधु नेत्र सैटेलाइट भारतीय समुद्री क्षेत्र, हिंद महासागर में आने वाले हर तरह के मालवाहक, युद्धपोत, व्यापारिक जहाजों को ऑटोमेटिकली पहचान लेगा। लॉन्चिंग के बाद इस सैटेलाइट ने ग्राउंड से अपना संपर्क बना लिया है। सिंधु नेत्र सैटेलाइट को लेकर DRDO के सूत्रों ने बताया कि फिलहाल तो इससे भारतीय समुद्री क्षेत्र की निगरानी की जाएगी, लेकिन जरूरत पड़े तो इसे हम दक्षिण चीन सागर, एडेन की खाड़ी और अफ्रीकी तटों तक की निगरानी कर सकते हैं। सिंधु नेत्र सैटेलाइट की मदद से भारतीय सेनाएं और जासूसी संस्थाएं लद्दाख समेत चीन से लगी सीमाओं और पाकिस्तान की सीमा पर नजर रख सकते हैं। सिंधु नेत्र सैटेलाइट की मदद से 4000 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर नजर रखी जा सकती है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ऐसे 4 से 6 सैटेलाइट्स की और जरूरत पड़ने वाली है ताकि भविष्य में सीमाई खतरों से बचा जा सके। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने डिफेंस स्पेस एजेंसी यानी कि DSA के साथ ही डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब DSRO भी बनाया है ताकि अंतरिक्ष से होने वाले दुश्मनों के हमले से देश को बचाया जा सके। केंद्र सरकार की योजना है कि स्पेस डिफेंस से संबंधित संस्थाओं को भविष्य में और मजबूत बनाया जाए। 28 फरवरी 2021 यानी रविवार को इसरो ने PSLV C-51 रॉकेट से ब्राजील के अमेजोनिया 1 सैटेलाइट के साथ 18 अन्य सैटेलाइट्स भी अंतरिक्ष में भेजे हैं। इस लॉन्च की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस साल की ये पहली सफल लॉन्चिंग है। लॉन्च पैड 1 से ये 39वीं सफल लॉन्चिंग है। स्पेस सेंटर से 78वीं लॉन्चिंग है। ये PSLV रॉकेट की 53वीं सफल उड़ान है। इसरो ने इस लॉन्चिंग के साथ अब तक 34 देशों के 342 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में स्थापित किया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।